हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका सिमरन का किचन में। एक बार फिर मैं आपके लिए एक नई रेसिपी के साथ आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं ग्रेवी चिकन, बहुत लजीज होता है। तो चलिए, हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमने 1 किलो चिकन लिया है, हमने अच्छी तरह से धो लिया है इसे। अब हमने एक प्याज और थोड़ा सा नारियल का पेस्ट बनाया है, इसे डाल देंगे हम। एक टमाटर लिया है, उसे भी हमने चॉप कर लिया, उसे भी डाल देंगे। एक प्याज चॉप की है, उसे डाल देंगे। एक बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट डाल देंगे। एक चम्मच हम लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। दो चम्मच हम पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे। एक चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। एक चम्मच हम हल्दी पाउडर डालेंगे। और एक नींबू का रस डाल दिया हमने चिकन में। एक कटोरी दही डाला है। अब हम अच्छी तरह से मसालों में दही को सब अच्छी तरह से चिकन मिला लेंगे। देखिए, हमने सब चिकन अच्छी तरह से मिला लिया है, रख दिया है। अब हमने कढ़ाई में 3 चम्मच तेल डाला है, रिफाइन ऑयल डाला है हमने। अब हमने खड़े गरम मसाले लिए, दालचीनी, जीरा, काली मिर्च, लौंग, मोटी इलायची, सफ़ेद इलायची, बादियान के फूल, ये भी हम खड़े गरम मसाले डाल देंगे। हम इसे अच्छी तरह से रोस्ट कर लेंगे, जब तक इसकी अच्छी तरह से खुशबू आने लगे मसालों की। अब हम चिकन को डाल देंगे, जो हमने चिकन मिला के रखा था। एक एक पीस करके हम डालेंगे चिकन कढ़ाई में। देखिए, सारा चिकन हम ऐसे ही डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। जो बचा हुआ पानी है ग्रेवी का, वो भी डाल देंगे हम मसाले का। अब हम इसे चला के अच्छी तरह से और ढक देंगे, जो आपस में ही मिक्स होकर अच्छी तरह से पक भी जाए और गल भी जाए। 15 मिनट के लिए हम इसे ढक के रख देंगे। स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे। अभी हम इसे ढक देते हैं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं, अब हम खोल के देख लेते हैं। देखिए, हमारा चिकन अच्छी तरह से गल चुका है और भुन भी चुका है। देखिए, तेल आ चुका है ऊपर, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चिकन तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ी हरी मिर्च डालेंगे कटी हुई, हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम इसे सर्व करेंगे। देखिए, देखने में बहुत अच्छा होता है, जायके का भी बहुत होता है, आप ज़रूर ट्राई करना। आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा, बहुत लजीज होता है ये ग्रेवी चिकन। तो आपको ये मेरा चिकन कैसा लगा कमेंट्स में बोलिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे जो भी नई वीडियो लाऊं आप सबसे पहले देख सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो एक कमेंट बनता है। थैंक यू, धन्यवाद।